अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर सिक्स चैप्टर, दैट इज फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन, डू यू नो? यस, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, राइट? फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल और मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ओके, फ्रैक्शन क्या है? रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स ऑफ होल, वो होल के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और एनी नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स। ओके, सो इन योर रीडर, मैथ्स रीडर, टेक आउट पेज नंबर 80। ओके, फ्रैक्शंस। फर्स्ट, फ्रैक्शंस फुलफिल अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल नीड इन अवर लाइफ। ओके, फ्रैक्शंस क्या है? इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल नीड है हमारी लाइफ में। सो वेन एवर वी डिवाइड अ होल इंटू इक्वल पार्ट, वी स्टार्ट यूजिंग द बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस इन अवर लाइफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पिज्जा इज डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक पिज्जा को हम फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो ईच पार्ट इज रिप्रेजेंट एज वन पार्ट आउट ऑफ फोर इक्वल पार्ट्स। तो वहाँ पे वो जो एक पिज्जा है उसको हम फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो उसका जो एक एक पार्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन आउट ऑफ फोर, राइट? क्योंकि हम फोर में से एक पीस लिए हैं, सो वन आउट ऑफ फोर, दैट इज ईच स्लाइस ऑफ द पिज्जा, वो क्या हो जाएगा, एक स्लाइस हो जाएगा टोटल पिज्जा का। सो इट इज रिप्रेजेंट वन बाय फोर ऑफ द पिज्जा, एंड द फ्रैक्शन वन बाय फोर इज रीड एज वन फोर्थ और वन क्वार्टर। इसको कैसे हम रीड करेंगे, वन फोर्थ और वन क्वार्टर। ओके, सो लुक एट द पिक्चर्स, ए बी सी डी एंड ई, डाउन साइड यहाँ पे पिक्चर्स की वन है, ए बी सी डी एंड ई। सो इन द फिगर 6.1, इन दिस फिगर द फिगर्स ए बी सी एंड डी हैव बीन डिवाइडेड इन टू टू एट फोर एंड एट इक्वल पार्ट्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पार्ट्स को डिवाइड किए हुए हैं, टू पार्ट्स में, एट पार्ट्स में, फोर पार्ट्स में, जो है हम इसको डिवाइड किए हैं। बट द फिगर ई, ये जो लास्ट वाला फिगर है, फिगर ई इज नॉट डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे हम इसको इक्वली डिवाइड किए क्या, नहीं किए, इक्वल नहीं है यहाँ पे, राइट? सो इन फिगर ए वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, इन फिगर बी वन पार्ट आउट ऑफ एट, इन सी वन पार्ट आउट ऑफ फोर, इन डी वन पार्ट आउट ऑफ एट इक्वल पार्ट्स, इन वन पार्ट आउट ऑफ एट इक्वल पार्ट्स आर शेडेड, राइट? सो दिस शेडेड पार्ट्स कैन बी एक्सप्रेस एज वन बाई टू, वो जो शेडेड पार्ट्स हैं वो हम अपसाइड लिख लेंगे और जो टोटल पार्ट्स हैं वो डाउन साइड। सो वन हाफ, वन बाई टू मीन्स वन हाफ, वन बाई एट, वन बाई क्वार्टर एंड वन बाई एट इज शेडेड रेस्पेक्टिवली, राइट? सो इन फिगर ई, इन दिस फिगर, इन द फिगर ई वन पार्ट आउट ऑफ फोर पार्ट्स इज शेडेड, राइट? यहाँ पे फोर पार्ट्स हैं बट यहाँ पे एक पार्ट को जो है शेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है, बट दीज पार्ट्स आर नॉट इक्वल, लेकिन ये जो पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर द शेडेड पार्ट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन। सो इसके लिए क्या है, हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते क्योंकि वो उसके जो पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं है, सो वी कैन नॉट राइट दिस इन द फ्रैक्शन। वन फोर्थ, हेंस व्हेन वी स्पीक ऑफ फ्रैक्शन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट द होल हैज टू बी डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स। फ्रैक्शंस के लिए हमें ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि जिस जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वल रहना, मीन्स हम उसको होल को जो है इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। द होल हैज टू बी डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू राइट द फ्रैक्शंस। वी हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू डिवाइड द होल इन द इक्वल पार्ट्स। ओके,